سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء عدد خلقه الحمد لله الذي تواضع كل شيء تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين بارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وعنه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قيامة كدين في النعمة متعلق سؤال هو इस आयत शरीफ़ के बारे में कल कुछ तज़किरा हुआ था कि मैदान महशर के अंदर तीन फाइलें बंदों की फरिश्ते पेश फरमाएंगे। एक फाइल और एक रजिस्टर वो होगा जिसमें उनके आमाल सालेह होंगे, नेक आमाल, नमाज है, रोज़े हैं, जिक्र है, तिलावत है और दूसरे जितने भी नेक आमाल है, और दूसरा रजिस्टर, दूसरी फाइल वो होगी जिसमें गुनाह होंगे, और एक तीसरी फाइल और तीसरा रजिस्टर वो भी होगा कि अल्लाह ने इस बंदे के ऊपर क्या क्या दुनिया में नियामतें अता फरमाई थी, इस बंदे को क्या क्या नियामतें दी थी, इसके बारे में भी सवाल होगा। अल्लाह आसान फरमा दे। एक वाक़ा लिखा है अहादीस की किताबों के अंदर, एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अपने दौलत के जैसे अपने घर से दोपहर के वक्त में ऐसे वक्त पर बाहर तशरीफ़ लाए कि जिसमें और जिस वक्त के अंदर आम तौर पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अपने घर से बाहर निकलने की आदत शरीफा नहीं थी, लेकिन बाहर तशरीफ़ लाए। जब बाहर तशरीफ़ लाए तो देखा कि इत्तेफाक से अबू बकर सिद्दीक भी हैं मौजूद किसी जगह पर। सिद्दीक अकबर से पूछा क्या बात है कि उनके भी मुलाकात बाहर निकलने का टाइम नहीं होता था आमतौर पर। दरअसल सिद्दीक अकबर जो घर से निकले थे वो घर में फाका था और ख़ुद उनको भी फाका था और भूख ऐसी ज़बरदस्त लगी थी कि बेचैन थे, और इसी बेचैनी की वजह से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर तशरीफ़ लाए थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को जब देखा तो अपनी भूख भूल गए और उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ियारत के लिए और मुलाकात के इरादे से बाहर निकला था, हालांकि भूख की वजह से निकले थे। फिर इत्तेफाक़ से हज़रत उमर पहुँच गए, उनसे पूछा उमर क्या बात है, तो उन्होंने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख और बेइंतहा बेचैनी थी, तो इसी भूख की शिद्दत लगी हुई थी, खाने के लिए कुछ मौजूद नहीं था, बेचैन होकर बाहर निकल गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी अर्ज़ किया कि मेरे दोनों आपके तो वज़ीर के दर्जे में थे और वज़ीर की तरह थे, अर्ज़ किया कि मुझको भी यही भूख का एहसास है और मैं भी इसी भूख के एहसास की वजह से बाहर निकला हूँ। फिर फरमाया कि चलो, एक सहाबी रसूल हैं अबुल हैसम बिन अत्तैहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अंसार मदीना में से हैं और बयात अकबा में शरीक भी हुए थे,
बड़े दर्जे के सहाबी हैं। फरमाया कि वो बाग वाले हैं, उनके पास बाड़ियाँ हैं, खजूरों के दरख्त हैं, चलो हम उनके पास चले। चुनाचे यजीद हजरात तशरीफ़ ले गए। हज़रत पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम जब उनके घर पहुँचे तो अल्लाह का करना उस वक्त वो घर में मौजूद नहीं थे। उनके घर वाले ने अर्ज़ किया कि वो तो ठंडा पानी लेने के लिए गए हुए हैं और अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप तशरीफ़ रखें। चुनाचे ये हजरात वहाँ बैठे, इतने में अबुल हैसम बिन अत्तेहान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुँच गए। जब उन्होंने अपने घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और हजरत शेखैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो वो तो खुश हो गए और हजरत पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जाकर लिपट गए और फरमाया कि मेरी किस्मत ऐसी कहाँ कि आप मेरे घर में खुद तशरीफ़ ले आए, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, खुश होकर कहने लगे। फिर इन तीनों हजरात को वहाँ बिठाया इज्जत के साथ और फौरन बाहर तशरीफ़ ले गए और तशरीफ़ ले जाकर जल्दी जल्दी खजूर का एक खोशा, खजूर की एक पूरी डाली जिसके अंदर कुछ पक्की खजूरें भी थी, कुछ कच्ची खजूरें भी थी, इस सिरम का उसके अंदर दो तीन किस्म की खजूरें थी, वो पूरी डाली और पूरा खोशा तोड़ कर ले आए और तोड़ कर ला कर सामने पेश कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला उसने अर्ज़ी भी किया कि इसमें से कुछ पक्की पक्की खजूरें ले आ जाए, बाकी पूरा खोशा वहाँ छोड़ दे दें। तो उन्हें अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लम, इसमें कुछ कच्ची भी हैं, कुछ पक्की भी हैं, कुछ पकने के करीब भी हैं, मैं इसलिए ले आया कि बाद में तो ये अच्छी लगती है, बाद में तो वो अच्छी लगती है, बाद में तो रुतब अच्छी लगती है, बाद में तो पूरी खजूर तैयार हो चुकी होती है वो अच्छी लगती है, तो और मुख्तलिफ़ शौक़ भी होता है, किसी को ये अच्छी लगती है, किसी को वो अच्छी लगती है, तो मैं इसी ख्याल से ले आया कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और ये हज़रत अबू बकर हैं, उमर हैं, तो इनकी और आपकी जो भी पसंद होगी वो पसंद की चीज़ खाएंगे। बहुत खुशी होती है पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ के ऊपर कि कैसे मेहमान नवाज है और अपने मेहमान का उन्होंने कितना ख्याल किया, उनके लिए दुआएं भी दी और हज़रत पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने खजूर खाई, ठंडा पानी नोश फरमाया। और फिर इसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ख़िताब फरमाया। हालांकि क्या हालत थी, क्या कैफियत थी, भूख से तीनों हजरात बेचैन थे और इस भूख की हालत में अल्लाह पाक ने ये ठंडा पानी और खजूरें अता फरमाई थी। ठंडा पानी पिया, खजूरें इस्तेमाल फरमाई और उसके बाद फिर इरशाद फरमाया, हाजा वल्लदी नफ्सी बियदिही मिनन्नईमिल्लती तुसअलून अनहु यौमल क़ियामा। फरमाया कि ये वही नियामतें हैं कि जिनके मुताबिक क़्यामत के दिन सवाल होगा, जिसका तज़किरा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन्नईम के अंदर है। फरमाया कि यही नियामतें हैं कि देखो अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमको ज़िल्लुन बारिदुन व रुतबुन तय्यिबुन व माउन बारिदुन, एक तो हमको अल्लाह ने ठंडा पानी पिलाया, अच्छी अच्छी रुतब खिलाई और ठंडा साया दिया। ये साया का मिल जाना हमको यहाँ से एहसास नहीं होता है। आप गर्म मुल्क में चले जाएँ, अरब वगैरह में, इंडिया पाकिस्तान जून जुलाई का ज़माना हो और गर्मी दोपहर के 12 बजे हों, ऐसे गर्मी के वक्त में इंसान को ठंडा साया मिल जाए दरख्त के नीचे बाग के अंदर, इतना इतना सुकून मिलता है। तो फरमाया कि ठंडा साया ये भी एक नेमत है, इसके मुताल्लिक सवाल होगा। तो गया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ये इरशाद फरमा कर कि देखो हमको अल्लाह ने ठंडा साया दिया, ठंडा पानी पिलाया और ये खजूरें खिलाई, हालांकि भूख की हालत थी और हमने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया है, इंशाल्लाह अल्लाह के शुक्र की बरकत से बहुत सारी हमारे सवाल आसान होंगे। लेकिन बहरहाल कुरान पाक की इसी आयत की तरफ इशारा फरमाया कि तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो आयत शरीफा में इरशाद फरमाया है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन, ये भी नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमको अता फरमाई है, इन नेमतों के मुताल्लिक कुछ सवाल होगा और हो सकता है। बस दोस्तों बुजुर्गों, आज कल अल्लाह पाक ने हमको कितनी नेमतें दी हैं, कितनी नेमतें दी हैं, बाद में तो हमारी ज़बान के ऊपर जो जुमले आते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, हालांकि क्या है, इतना माल भरा हुआ है माशाल्लाह, घर भरा हुआ है, तंदुरुस्ती है, आँखें हैं, कान है, हाथ है, जबान है, पैरों में चलने की ताकत है, दिलो दिमाग है, कितनी नेमतें हैं, फिर भी बाद में तो हमारी ज़बान पर आ जाते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी नाशुक्री का लफ्ज़ है। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हाल, ये हमेशा हमारे ज़बान पर रहे, बल्कि
अहादीस के अहादीस मुबारका के देखने से तो ये मालूम होता है कि इंसान चाहे बीमारी की हालत में हो, चाहे तकलीफ़ की हालत में हो, लेकिन उस वक्त भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करे तो ये अल्लाह को पसंद है। अल्लाह मुझको जिस हाल में रखे, नेमत अदा फरमाए तो उस पर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अला हादिहि निअमा। और अगर कोई तकलीफ़ हो, कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, तो उस वक्त भी अव्वलन तो हमारे ज़बान पर यही जुमला हो, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, मेरा रब मुझको जिस हालत में भी रखे मैं राज़ी हूँ, मेरा रब मुझको तकलीफ़ में रखे, बीमारी में रखे, उसमें मैं राज़ी हूँ। इसलिए कि मैं नहीं जानता कि इस तकलीफ़ और इस बीमारी और इस परेशानी के पीछे अल्लाह की क्या हिकमत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या मसलहत है। इस बीमारी और तकलीफ़ के ऊपर मैं सब्र करूँगा, अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहूँगा, तो इस फैसले पर राज़ी रहने की बरकत से अल्लाह मुझको कितना अजर सवाब अता फरमाएंगे, और अल्लाह ताला मुझको इस सब्र की बरकत से और मेरे इस अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहने की वजह से और मेरे अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहने की बरकत से अल्लाह मुझको कहाँ से कहाँ पहुँचाएँगे, कैसे से कैसे दर्जा अदा फरमाएंगे, मैं नहीं जानता। लिहाजा हम तो अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी रहने की हमेशा आदत डालें, कोशिश करें, नफ्स को दबाएँ और कभी भी अपनी ज़बान के वह नाशुक्री के लफ्ज़ आने से अपने आप की हिफाजत करें। और अहादीस मुबारका के अंदर सुबह शाम की जो दुआएँ आती हैं, उन दुआ में एक दुआ ये भी है, उसको हम याद कर लें, सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में वो दुआ पढ़ने की आदत डालें, तो इंशाल्लाह इन दुआओं की बरकत से भी हमारा आखिरत का मामला बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। चुनांचे अबू दाऊद शरीफ के अंदर एक रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला हीन युस्बिहु, जो शख्स सुबह के वक्त ये दुआ पढ़े, मशहूर दुआ है इंशाल्लाह आपको याद भी होगी, और याद ना हो तो याद कर ली जाए, अल्लाहुम्मा मा असबह बी मिन निअमतिन फमिनका वहदक ला शरीक लक वलकल हम्द वलकल शुक्र। अल्लाहुम्मा मा असबह बी मिन निअमतिन फमिनका वहदक ला शरीक लक वलकल हम्द वलकल शुक्र। ए अल्लाह, मैंने सुबह की है और सुबह के वक्त में जितनी नेमतें मेरे पास हैं, तंदुरुस्ती आपने दी, सुबह मुझको उठाया, मैं रात को सोया था, कितने लोग बेचारे रात को सोए होंगे और सुबह उठोंगे तो बीमार उठे होंगे, रिलैक्स में क्या होगा, माने जो लकवा पड़ गया होगा, उठने के काबिल न रहे होंगे, और कितने बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे कि अल्लाह आपने मुझे उठाया। जो भी नेमत हो, अल्हम्दुलिल्लाह इस नेमत के साथ मैंने सुबह की, ये जो नेमतों के साथ मैंने सुबह की है, फमीन का वहादत, ये तमाम नेमतें आप ही की अता फरमाई हुई है, आपने ही ये तमाम नेमतें मुझको अता फरमाई है, ला शरीक रब, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, आपका कोई शरीक नहीं, तने तनहा आपने मुझको ये तमाम नेमतें अता फरमाई हैं, वलकल हम्द वलकल शुक्र, लिहाजा इन तमाम नेमतों के ऊपर मैं आपकी हम्द बयान करता हूँ और आपका शुक्र अदा करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ ले, फ़कत अद्दा शुक्र यौम ही, तो रोज़ाना सुबह के वक्त में इंसान के ऊपर जो शुक्र करना लाजिम है, वो जब इसने ये दुआ पढ़ ली तो यूँ समझ लो कि उसने उस दिन जो नेमत उसको मिली है उसका शुक्र अदा कर दिया। एक दुआ ये भी है, इसी तरह एक मशहूर एक अमल भी है कि इंसान जब सुबह उठता है तो उसके जिस्म के अंदर 360 जोड़ हैं, जॉइंट हैं, हर जोड़ की तरफ से सदका देना लाजिम है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल, ये 360 सदका कौन देगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सुभान अल्लाह कहो, ये भी सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, ये भी सदका है, ये भी सदका है, ये भी सदका, बहुत सारी जो बातें शुमार फरमाई। फिर आखिर में फरमाया कि तुम चाश की 2 रकातें पढ़ लो, 4 रकातें पढ़ लो, तो ये तमाम पूरे बदन का सदका हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अमल ये भी है, अल्लाह हमको मौका दे दे चाश के वक्त में 2-4 रकातें पढ़ने की आदत डालें। तो बहरहाल चाश की नमाज है, ये दुआएँ हैं, तो इन दुआओं की बरकत से इंशाल्लाह मामला अल्लाह पाक आसान फरमाएंगे। इसी तरह फरमा दीजिए, सुबह के वक्त शाम हो जाए तो ज़रा सा अल्फाज बदल कर यह दुआ पढ़ लें। यहाँ पर यह था, अल्लाहुम्मा असबह बी मिन निअमतिन, और शाम का वक्त हो, मगरिब के बाद का टाइम हो, तो वहाँ पर उस वक्त इस तरह पढ़ लें, अल्लाहुम्मा मा अमसा बी। मा अमसा बी का माना होता है कि मैंने शाम की, जिन नियमतों के साथ मैंने शाम की, और मा असबह बी का मतलब ये होता है कि जिन नियमतों के साथ मैंने सुबह की, ये मफहूम है दुआ का। तो सुबह के वक्त में मा असबह बी और शाम के वक्त में मा अमसा भी, फिर बाकी दुआ के अल्फाज वही होंगे, अल्लाहुम्मा मा अमसा भी मिन निअमतिन फमिन का वहदक ला शरीक लक फलक अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु तआला उसमें इरशाद फरमाया, वमन क़ाला मिस्ल ज़ालिक हीन युमसी फ़क़द अद्दा शुक्र लैलतिही, मगरिब के बाद ये दुआ पढ़ लें तो रात को जो नियमतें उसके पास हैं
उसने उन तमाम नेमतों का जो रात को उसके पास मौजूद है शुक्र अदा कर दिया। तो ये दुआओं का हम अहतमाम करें और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। ज़बान को नाशुक्री के अल्फाज ना आने पाए तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आने से उम्मीद है कि क़यामत के दिन मामला अल्लाह आसान फरमाएंगे। अल्लाह मुझको और आपको हमेशा शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाएँ, हर हाल में रज़ा बिलकज़ा वाली सिफत नसीब फरमाएँ, और नाशुक्री और नाकदरी के अल्फाज से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाएँ और फिर नेमतों का सही इस्तेमाल भी अल्लाह अता फरमाएँ। अल्लाहुम्मा आमीन। सुभानल्लाहि वबिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका वनशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका वनतूबु इलैक। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद वअला आलिही वअस्हाबिही वअज़वाजिही वअतबाही अजमईन वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।